कोमल सी गधा। सुदूर के एक राज्य में मेहनती और दयालु किसान रहता था। प्राणियों की भाषा समझने की उसमें एक विशेष शक्ति थी। एक शाम उसने गधा और बैल को एक दूसरे से बातें करते हुए सुना। वह पेड़ की आड़ में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। बैल अपने दोस्त गधे से शिकायत कर रहा था। उसने कहा, मैंने आज खेत में बड़ी मेहनत की। गधे ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरी तरफ देखो, सारा दिन मैं खाया सोया करता हूँ और मजे करता हूँ। बैल ने सोचा कि गधा बड़ा सौभाग्यशाली है। उसने उदास होकर पूछा, तुम्हारी तरह जीने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गधे ने सलाह दी, ठीक है, मैं हमेशा बीमारी का बहाना बनाता हूँ। खाना न खाने का बहाना बनाओ, जमीन पर लेटो, जैसे बड़ी पीड़ा हो रही है तो फिर किसान तुम्हें खेत में नहीं ले जाएगा। अगली सुबह बैल ने वही किया जो गधे ने उसे समझाया था, परंतु किसान ने सब कुछ सुन लिया था। इसलिए उसने निश्चय किया कि इस गधे को अच्छा पाठ पढ़ाया जाए। उसने गधे के सामने जाकर कहा, बैल बीमार है, इसलिए तुम्हें आज मेरी मदद करनी होगी। बेचारा गधा हाफता हाफता सारा काम करता रहा। शाम तक तो उसका सारा बदन थककर चूर चूर हो गया था। बैल फिर भी खुश था। वह दोस्त के पास आकर उसके चतुर उपाय के लिए धन्यवाद देने लगा। आज मेरा दिन मस्त बीता है, मैं फिर कल किसान को बुद्धू बनाऊंगा। गधा परेशान हुआ, वह इतनी मेहनत एक और दिन नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत कहा, हाय, नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। आज ही मैंने किसान को यह कहते हुए सुना कि यदि तुम बीमार पड़ते रहो तो वह तुम्हें कसाई को बेच देगा। बैल डर गया, वह ऐसा होना नहीं चाहता था। उसने अपने को अच्छा साबित करने का निश्चय किया। उसने अगले दिन से जी तोड़ मेहनत करने का इरादा किया। पेड़ के पीछे छिपे हुए किसान इन बातों को सुनकर अपने आप हंस पड़ा। वह गधे के पास जाकर धीरे से बोला, अब तुमने कभी आलसी न बनने का पाठ सीख लिया होगा। गधे ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। उसने सचमुच अच्छा पाठ सीख लिया था।